स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हमने पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड द मोमेंटम। ये पेज नंबर 67-68 पे ये टॉपिक है। इसके अंदर हम मोमेंटम और फोर्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, हम इसको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। लेट्स सपोज हम एक हमारे पास कार है, इस कार की इसके ऊपर इसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है, इसका मास m है। लेट्स सपोज इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई की जा रही है, लेट्स सपोज अगर फोर्स f इस पर लगती है, नेट फोर्स f लगती है, तो क्या होगा, इस कार के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस होगा, और इस कार की जो वेलोसिटी है वो vi से vf हो जाएगी। मास इसका m ही रहेगा, ठीक है, जो फोर्स नेट फोर्स इस पर लग रही थी वो f है, ठीक है। अब जिस वक्त ये बॉडी जिसके ऊपर फोर्स f अप्लाई की गई, जिसके अंदर एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस हुआ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी vi थी, तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम pi, वो हो जाएगा एम वी आई। आपको पता है मोमेंटम जो है इसका फार्मूला है पी इज इक्वल टू एम वी, लेकिन चूंकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है तो वी आई आ गया, और इनिशियल मोमेंटम ले रहे हैं तो पी आई। आफ्टर टाइम टी ये बॉडी ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इसका जो फाइनल वेलोसिटी वी एफ होगी, जो फाइनल मोमेंटम होगा पी एफ, वो हो जाएगा एम वी एफ। इसके बाद इस पूरे टाइम आफ्टर टाइम टी इस कार के अंदर, इस बॉडी के अंदर चेंज इन मोमेंटम जो है वो कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम वो अगर आपने निकालना है तो क्या करेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है आपका, एम वी एफ, एम वी एफ ये वैल्यू पुट कर दी फाइनल मोमेंटम की, माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये हमारा इनिशियल मोमेंटम है आई पी आई, इसकी वैल्यू क्या है एम वी आई, ये हमारे पास आ गया चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। आप इसमें m जो है कॉमन है, इसे हम कॉमन ले लें, वी एफ माइनस वी आई, और ये आ जाएगा पी एफ माइनस पी आई। अब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या है कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू ये एम वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ठीक है। ये आपके पास आ गया रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब ये राइट साइड पे देखें कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इस पे ज़रा फोकस करें, ये जो वैल्यू है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, जिसे हम पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसको हमने कहा था कि ये ए के इक्वल होती है, तो ये अबव क्वेश्चन जो है वो बन जाएगी पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एम ए, ये हमारे पास आ जाएगी। ये वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, इसकी जगह पर
ये वैल्यू आ गई ए। लेकिन हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो एम ए किसके इक्वल है, फोर्स के, लिहाजा पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एफ। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है जो कि बता रही है कि एक बॉडी जिसके ऊपर फोर्स एफ अप्लाई की जा रही है, जिसके नतीजे में उस बॉडी के अंदर उसके मोमेंटम में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंजेस आ रही हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू नेट फोर्स अप्लाइड नेट फोर्स, ये रिलेशनशिप हमारे पास आ गई है। अब हम चलते हैं, स्टेटमेंट क्या कहती है, व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, यहाँ फोर्स बॉडी पर एक्ट कर रही है, इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी, इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस किया, एंड विल बी इक्वल टू दी, ये जो एक्सेलरेशन इस फोर्स ने जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया विल बी इक्वल टू दी। अब ये वर्डिंग, ये जो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है इसकी वर्डिंग क्या है, विल बी इक्वल टू दी, इक्वल टू दी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ये क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम, ये क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट का वर्ड इस्तेमाल आया है, इट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात हो रही है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब किसी बॉडी पर फोर्स नेट फोर्स एफ एक्ट करती है, उस बॉडी में एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस होता है, और वो फोर्स जो नेट फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है उसकी वजह से बॉडी के अंदर चेंज इन मोमेंटम आता है। अब ये जो फोर्स है ये इक्वल होती है चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो ये हमारी रिलेशनशिप थी, जो हमारा टॉपिक था वो क्या था कि फोर्स और मोमेंटम जो है इनके दरमियान रिलेशनशिप हमने पढ़नी है। ये यहाँ पर फोर्स है और ये यहाँ पर मोमेंटम, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था, वॉइस इसे आप नोट कर लें।